हमारे सहयोगी अमृत आनंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत आनंद, जिस मैच को हम सांसें थाम कर देख रहे थे, उस मैच में एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले बात विराट कोहली के रिकॉर्ड की, जो उन्होंने 50 सेंचुरी लगाई है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, उससे पहले बता दूं मैं कि वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली ने एक मामले में और पीछे छोड़ा है, यानी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी विराट कोहली बन चुके हैं। जो आंकड़ा था सचिन तेंदुलकर का 600 प्लस का आंकड़ा था, उसको भी विराट कोहली ने पीछे छोड़ दिया है। सेंचुरी की बात करें, 50वां शतक उनका हो चुका ओडीआई का, तो क्योंकि विराट कोहली की बल्लेबाजी को अगर आज आप कैलकुलेट करें, एक बहुत बड़ा गेम है, आप अंदाज़ा लगाइए, सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीती है, कप्तान की तूफानी पारी होती है, गिल इंजर्ड होकर बाहर चले जाते हैं, उसके बाद सुरेश अय्यर और विराट कोहली टिकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पिच बहुत आपको इजी दिख रही है, लेकिन वहाँ पर बल्लेबाजी करना और इस हिट में, इस गर्मी में, क्योंकि आप लगातार खेलते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, उसके बाद उनको क्रैम्प आता है, लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली संयम नहीं खोते और बहुत इत्मीनान से खेल रहे हैं विराट कोहली। तो कहूँ कि आज की इनिंग की जितनी तारीफ की जाए विराट कोहली की, उतनी कम है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड कप में और आज के मैच के मुकाबले की हम बात करें, तो वाकई कहा जाए कि विराट कोहली संयम खोए, आज विराट कोहली खेले हैं और अभी आगे भी वो खेलेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर हमें देखने को मिलेगा, जिसे बाद में जब न्यूजीलैंड की टीम उतरेगी तो हमारे बॉलर्स उनको भी अपना दम दिखाएंगे, क्योंकि इस सीरीज में हमने देखा है कि न सिर्फ बैट्समैन बल्कि बॉलर्स भी शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि विराट कोहली ने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है आज, उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक रिकॉर्ड और जो सचिन तेंदुलकर का था, सबसे ज्यादा रन बनाने का ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो 673 का था, वो आंकड़ा भी उन्होंने छू लिया, उसे भी उन्होंने पार कर दिया है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम जरा, क्योंकि दर्शक यही जानना चाहते हैं कि स्कोर बोर्ड पे आखिर कितने रन सेफ होंगे, कितना रन टंगेगा, वो एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी का जो स्कोर बोर्ड था उसे देखकर क्या लग रहा है, कितने रन? नहीं, मुझे लगता है कि 350 के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर 300, अगर 400 का आंकड़ा पार करते हैं तो इन दोनों को क्रीज पे आखिरी गेंद तक रहना पड़ेगा। और इस पिच पे आप कितने रन देख रहे हैं अभी के स्कोर के हिसाब से? ये अभी स्कोर से अलीस्ट 360-370 तक तो लेके जाना चाहिए। यू नो, जब श्रियास आर छक्के लगाएगा, विराट कोहली भी छक्के करेंगे, ये दोनों भाई आई थिंक 380 तक भारत का स्कोर, फाइनल स्कोर ले जाएंगे। पर जसप्रीत बुमराह भी है, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज, ये तीनों भाई आराम से भारत को जीत ले आएंगे। आप क्या मानते हैं, हमारे कौन से बॉलर्स आज? ये पांचों बॉलर ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है।